हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बेबी हेयर बैंड बनाना बताऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए कॉटन का फैब्रिक, 22 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा फैब्रिक चाहिए। इसको हम कट कर लेंगे, काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको दो भाग में काट लेंगे, जिससे ये 11 इंच और 11 इंच का दो हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा फैब्रिक। इसे भी हम नाप करके काट लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए 3 इंच का इलास्टिक, 6 का हाफ थ्री, इसके स्ट्रेचेबल बनाने के लिए हमें इलास्टिक का ज़रूरी पड़ता है। इसके बाद जो हम 22 इंच का दो फैब्रिक कट करके रखे हैं उसे लेंगे। फिर उसको फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर से एक फोल्ड लगाएंगे, अच्छा से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल अच्छा से फोल्ड करेंगे और फिर उसके कर्नल पे एक कट लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे। इसके बाद दूसरा भी काट लेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए इसको फोल्ड करेंगे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम ध्यान दें, थोड़ा अंदर की तरफ दबा के ध्यान सिलाई लगाएं। दोनों में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद थोड़ा बहुत फैब्रिक बच जाता है साइड साइड में, उसको कट लगा देंगे। अच्छा रहता है कट लगाने से, सीधा करने में दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद हम पेन या किसी पेंसिल के मदद से सीधा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 6 इंच का जो फैब्रिक कट करके रखे थे उसको फोल्ड करके सिल लेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने के बाद उसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद किसी पिन या सेफ्टी पिन के मदद से हम इसमें इलास्टिक फिट करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। ये पहला साइड है, इसमें अच्छा से सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे मजबूती से। इसके बाद दूसरा साइड लगा लेंगे। दूसरा साइड है, इसको भी डबल सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ दबा दबा के। उसके बाद ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद जो दो कपड़ा बना के रखे हैं हम, उसको दोनों साइड अटैच कर लेंगे। आराम आराम से, सावधानी से फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे। दोनों साइड बिल्कुल एक ही जैसा सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे मजबूत हो जाएगा।
वैसे दूसरा साइड है, दूसरा साइड भी हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर फैब्रिक या धागा बच जाता है, उसको सावधानी से काटेंगे, या नहीं कि सिलाई कट जाए, अच्छा से फिनिशिंग के साथ कट करेंगे। बस ऐसे ही कट करेंगे, उसके बाद अब देखेंगे कितना अच्छा दिख रहा है। अब देखिए इसको ऐसे हर तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे, उसके बाद आयरन इस्त्री कर देंगे इस पर। प्रेस करने के बाद इसका लुक बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगता है। उसके बाद हम बेबी के सर के इंची टेप से नाप लेंगे और फिर यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। आपको जिस प्रकार का नॉट पसंद हो उस प्रकार का नॉट लगा सकते हैं। फिर देखिए बेबी हेयर बैंड कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।